अस्सलाम वालेकुम। इस वीडियो में मैं आपको गाइड करने वाला हूं, मैं आपको बताने वाला हूं कि किस तरीके से आप अपना अकाउंट डिस्कॉर्ड पे क्रिएट कर सकते हैं, यानी किस तरीके से आप साइन अप कर सकते हैं या फिर कह लीजिए कि आप रजिस्टर कर सकते हैं डिस्कॉर्ड पे। जी, तो डिस्कॉर्ड पे आप अपने आप को रजिस्टर करने के लिए, यानी डिस्कॉर्ड पे आप अपना अकाउंट क्रिएट करने के लिए सिंपली आप कोई भी ब्राउज़र ओपन कर लीजिए, कोई फ़र्क नहीं पड़ता उससे। मैं यहाँ पे सिंपली जो है ब्रेव ब्राउज़र ओपन कर लूँगा और यहाँ पर आने के बाद में, यानी किसी भी ब्राउज़र में जाने के बाद में सिंपली आपको सर्च करना है google.com। यानी बेसिकली जहाँ पे टाइप URL आता है, जहाँ पे URL टाइप करने के लिए बताता है कि सर्च गूगल और टाइप URL, सिंपली आपको करना क्या है, यहाँ पे आपको URL टाइप करना है या फिर सर्च करना है। तो मैंने यहाँ पे सर्च कर लिया google.com, यानी बेसिकली URL सेक्शन के अंदर में google.com आपको टाइप करना है। ये टाइप करने के बाद सिंपली आपको गूगल पे सर्च करना है डिस्कॉर्ड, या आप डिस्कॉर्ड सर्च करेंगे। जैसे आप डिस्कॉर्ड सर्च करेंगे तो आपके पास में कुछ इस तरीके से इंटरफेस आएगा discord.com। सिंपली आपको करना क्या है, इस discord.com पे जो आपको क्लिक करना है। जैसे आप discord.com पे विजिट करेंगे, यानी यहाँ पर क्लिक करके और यहाँ पे पहुँच जाएंगे discord.com पे, तो आपको यहाँ पे ऑप्शन नज़र आएगा लॉगिन। सिंपली आपको करना क्या है, लॉगिन पे आपको क्लिक करना है। लॉगिन पे क्लिक करने के बाद में आपके पास में कुछ इस तरीके से इंटरफेस आएगा। यहाँ पे आपको बता रहा है लॉगिन विथ QR कोड। अगर आप अपने मोबाइल में ऑलरेडी लॉगिन है तो यहाँ पे आप क्या करेंगे, QR कोड को स्कैन करके आप लॉगिन कर सकते हैं। बट हमें क्या करना है, हमें अपना अकाउंट क्रिएट करना है, यानी हमें अपने आपको रजिस्टर करना है डिस्कॉर्ड पे। तो डिस्कॉर्ड पे रजिस्टर करने के लिए सिंपली आपको यहाँ पे नज़र आ रहा होगा नीड एन अकाउंट रजिस्टर, सिंपली आपको रजिस्टर पे क्लिक करना है। जैसे आप रजिस्टर पे क्लिक करेंगे तो आपके पास में यहाँ पे ऑप्शन आ जाएगा क्रिएट एन अकाउंट। सिंपली आपको ईमेल एड्रेस के अंदर में, यानी ईमेल के अंदर में, ईमेल वाले सेक्शन के अंदर में आपको अपना ईमेल आईडी यहाँ पे एंटर करना है। मैं अपना ईमेल आईडी जो यहाँ पे एंटर कर देता हूँ। मैंने अपना ईमेल आईडी यहाँ पे एंटर कर दिया। उसके बाद में ये आपसे पूछा है यूज़र नेम एंटर करने के लिए। सिंपली मैं यूज़र नेम जो यहाँ से कॉपी करूँगा, यहाँ पे मैंने पेस्ट कर दिया। आप अपना यूज़र नेम कुछ भी एंटर कर सकते हैं। जैसे मैंने अपना यूज़र नेम मैंने एंटर कर दिया। अगर मैं इसको यहाँ पे सिंपली टाइप करता तो ऐसे नज़र आता, बैकग्राउंड में कुछ भी नज़र नहीं आता। अगर मैं इसको टाइप करता तो कुछ इस तरीके से नज़र आता, इस तरीके से। तो यहाँ पे आपने अपना ईमेल आईडी एंटर किया, यहाँ पे आपने अपना यूज़र नेम एंटर किया। यूज़र नेम के अंदर में आपको स्पेस वगैरह नहीं देना है। आप यहाँ पे नंबर्स वगैरह शामिल कर सकते हैं बट स्पेस नहीं दीजिएगा, बल्कि आप इसको कैपिटलाइज करके आप चाहे तो यूज़र नेम एंटर कर सकते हैं। तो मैंने कैपिटलाइज करके, यानी टे के लिए अलग और फ्लाई अलग है, तो उसको मैंने क्या किया कि टी को मैंने कैपिटल कर दिया, एफ को जो है मैंने कैपिटल कर दिया। तो आप इस तरीके से एंटर कर सकते हैं, बस आपको स्पेस नहीं देना है, इस चीज़ का आपको ध्यान रखना है। उसके बाद मैं आपसे पूछ रहा है पासवर्ड के लिए, तो यहाँ पे आप अपना पासवर्ड एंटर कर दीजिए। मैं आपका पासवर्ड एंटर कर देता हूँ। ऑब्वियसली बात है, मैं पासवर्ड जो है मैं आपको नहीं बताऊंगा, तो आप अपना कोई भी स्ट्रॉन्ग पासवर्ड आप यहाँ पे एंटर कर सकते हैं। अगर मैं आपको एग्जांपल बताऊं तो यहाँ पे आप पासवर्ड एंटर कर सकते हैं XYZ, जो भी आपको लगता है, यानी ZYZ मैंने डाल दिया, कोई दिक्कत नहीं है। इस तरीके से #123, #989, इस तरीके, यानी जो भी आपको पासवर्ड लगता है कि जो नॉर्मली जो है कोई गेस ना कर पाए, वैसा पासवर्ड आपको यहाँ पे एंटर करना है। तो मैंने इस तरीके से आप पासवर्ड एंटर कर सकते हैं, आप अपना यहाँ पे डाल सकते हैं। और याद रहे कि जो पासवर्ड आप यहाँ पे एंटर कीजिएगा, जो डालिएगा, वो आपको याद रहना चाहिए। तो मैं यहाँ पे एंटर कर देता हूँ, ये मैंने पासवर्ड मैंने अपना एंटर कर दिया। यहाँ पे पासवर्ड एंटर करने के बाद में आपको नजर आ रहा है डेट ऑफ बर्थ। डेट ऑफ बर्थ के सेक्शन में आपको अपना डेट ऑफ बर्थ एंटर करना है। यहाँ पे आप अपना डे चूज कर लीजिए कि किस दिन आप पैदा हुए थे, मतलब किस तारीख को आप पैदा हुए, तो आपको यहाँ पे चूज़ करना है। तो मैंने यहाँ पे चूज़ कर लिया 15th। उसके अंदर मंथ बता रहा है कि कौन से महीने में आप पैदा हुए थे, आप अपना चूज़ कर लीजिएगा। मैंने अक्टूबर चूज़ कर लिया। उस तरीके से आपको बता रहा है ईयर में कौन से साल में आप पैदा हुए थे, तो आपको यहाँ पे साल एंटर कर लेना है। यहाँ पे मैंने साल एंटर कर दिया। उसके अंदर आपको बता रहा है कि ऑप्शनल है ये कि आपको जो भी ईमेल वगैरह है डिस्कॉर्ड अपडेट से रिलेटेड या डिस्कॉर्ड टिप्स और ट्रिक्स से रिलेटेड, वो आपको चाहिए या नहीं चाहिए। तो आप इसको कभी भी ऑप्ट आउट कर सकते हैं, यानी इससे आप हट सकते हैं, या फिर जब भी चाहे इसको आप इनरोल कर सकते हैं, यानी इसको जो है आप इनेबल कर सकते हैं। तो ये बाय डिफॉल्ट चेक रहेगा, तो आप इसको चेक ही रहने दीजिए, कोई बात नहीं। मुझे जो टिप्स वगैरह देंगे तो अच्छी बात है मेरे लिए, तो इसको आप चेक रहने दे सकते हैं। तो आप अपने डिटेल्स को इस तरीके से यहाँ पे फिल करने के बाद सिंपली आपको कंटिन्यू पे क्लिक करना है। कंटिन्यू वाले बटन पे जैसे आप क्लिक करेंगे तो ये जो है आपका अकाउंट क्रिएट करके देगा। यहाँ पे आपको बता रहा है क्रिएट एन अकाउंट। उसके नीचे जो आपको पूछेगा कि आप ह्यूमन है, यानी इंसान है या नहीं है, सिंपली आपको करना क्या, आई एम ह्यूमन, इसके ऊपर में आपको सिंपली क्लिक करना है इस वाले बॉक्स पे। जैसे इस वाले बॉक्स पर आप क्लिक करेंगे तो ये आपसे पूछेगा कि यहाँ पे ये जो इमेज आपको नज़र आ रहा है ना, ये जो फोटो नज़र आ रहा है, ऐसा फोटो इसमें कौन कौन सा है। तो ये पाइनएप्पल का मुझे नज़र आ रहा है, तो ये भी फोटो उसी का है, ये भी उसी का है, ये भी उसी का है, ये भी उसी का है। यानी जो भी फोटोज इससे रिलेटेड है ना, वो सारे को आपको सेलेक्ट करना है। और ये भी जो मुझे नज़र आ रहा है, ये वाला भी, ये भी पाइनएप्पल का ही मुझे नज़र आ रहा है, सिंपली मैंने इसको भी मैंने सेलेक्ट कर लिया। उसका सिंपली आपको वेरीफाई पर क्लिक करना है।
जैसे आप वेरीफाई पे क्लिक करेंगे तो ये जो है यहाँ पे कुछ इस तरीके से यानी थोड़ा बहुत ये काम करेगा, प्रोसेसिंग करेगा। प्रोसेसिंग करने के बाद में जो है आपको रीडायरेक्ट कर देगा कि जहाँ पे आपको अकाउंट वेरीफाई करना है इस तरीके से। तो अभी हम इसका वेट कर लेते हैं, यहाँ पे ये प्रोसेस हो रहा है, यहाँ पे जो है ये प्रोसेस हो गया, आपका अकाउंट जो है वो क्रिएट हो चुका है। अब आपको करना क्या है, अब आपको जो है अपना अकाउंट वेरीफाई करना है। अभी यहाँ पे आपको वेरीफाई करने के लिए ऑप्शन नहीं दे रहा है, वेरीफाई करने के लिए नहीं बता रहा है, बट आपके पास में एक मेल जा चुका है जिसको वेरीफाई करना है। सिंपल आप गॉट इट पे क्लिक कीजिए और यहाँ पे जो है आप डायरेक्टली आप अपना सर्वर जो है वो डिस्कॉर्ड सर्वर आप यहाँ पे क्रिएट कर सकते हैं या फिर किसी भी सर्वर को आप ज्वाइन कर सकते हैं। ज्वाइनर सर्वर पे क्लिक करके ज्वाइन कर सकते हैं, जो कि मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में बताऊंगा कि किस तरीके से जो है आप किसी भी सर्वर को ज्वाइन कर सकते हैं। सिंपली मैंने इसको यहाँ से क्लोज किया, क्लोज करने के बाद में जो है यहाँ पे आपको कुछ इस तरीके से इंटरफेस नजर आ रहा है। अभी आप इसमें कुछ करेंगे तो आपको मे बी एरर दे देवे कि क्योंकि आपने अकाउंट वेरीफाई नहीं कर रखा है। तो वेरीफाई करने के लिए सिंपली आप अपना जीमेल एप्लीकेशन ओपन कीजिए। जीमेल एप्लीकेशन ओपन करने के बाद में या फिर आप अपना जो है google.com mail.google.com पे आप अपने आपको साइन इन कर लीजिए, जिस ईमेल आईडी से आपने डिस्कॉर्ड सर्वर पे अपना अकाउंट क्रिएट किया है। तो मैं यहाँ से जो है साइन इन कर लेता हूँ, मैंने techilifly@gmail.com इसके ऊपर मैंने अकाउंट क्रिएट किया है। तो यहाँ पे mail.google.com पे मैं आ चुका हूँ। देखिए आपके पास में आया हुआ है कि वेरीफाई ईमेल एड्रेस फॉर डिस्कॉर्ड। सिंपली आपको ये वाला मेल जो है ओपन करना है। जैसे इस मेल को ओपन कीजिएगा तो यहाँ पे आपको बताएगा वेरीफाई ईमेल। सिंपली आपको वेरीफाई ईमेल वाले बटन पर आपको क्लिक करना है। अगर इस तरीके से कुछ आता है तो आपको वेट करना है, बस वेट करते रहना है जब तक जो है ये वेरीफाई ना हो जाए। इंटरनेट स्लो होने की वजह से भी जो है आपको कुछ एरर्स नज़र आ सकते हैं या फिर ये जो है थोड़ा ज़्यादा टाइम ले सकता है। यहाँ पे आपको बता दिया कि ईमेल वेरीफाइड, सिंपली आपको कंटिन्यू टू डिस्कॉर्ड पे आपको क्लिक करना है। और यहाँ पे जैसे आप क्लिक करेंगे तो ये आपसे पूछेगा कि ओपन डिस्कॉर्ड आपके डेस्कटॉप के अंदर में या फिर आपके लैपटॉप के अंदर में अगर डिस्कॉर्ड एप्लीकेशन इंस्टॉल्ड है, ऑलरेडी वो इंस्टॉल्ड है, तो फिर वो आपसे बोलेगा कि आप उसको उसमें लॉग इन कीजिए। तो यहाँ पर मेरे सिस्टम के अंदर में यानी इस लैपटॉप के अंदर में जिससे मैं वीडियो शूट कर रहा हूँ, वीडियो रिकॉर्ड कर रहा हूँ, इसके अंदर में जो ऑलरेडी डिस्कॉर्ड एप्लीकेशन इंस्टॉल्ड है, इसलिए ये पूछ रहा है कि आप इसको ओपन कीजिए वहाँ पे। यहाँ पे अगर ईमेल वेरीफाइड आपको नजर आ रहा है तो सिंपली आप इसको कैंसिल करके मैं यहाँ पे इसको कैंसिल कर दूंगा और यहाँ से जो है मैं फिर से आ जाऊँगा। वेरीफाई होने के बाद मैं यहाँ पे आ गया हूँ। यहाँ पर आने के बाद में जो है आपका ईमेल आईडी अभी वेरीफाई हो चुका है, तो अब आप चाहते हैं इसको लॉग आउट करके मैं लॉग इन करना, यानी मैं आपको भी बताऊंगा कि लॉग इन किस तरीके से कर सकते हैं, तो उसी के जरिए आप सीख लेंगे कि लॉग आउट कैसे करते हैं। तो आपको यहाँ पे नजर आ रहा है यूज़र सेटिंग्स, सिंपली आप यूज़र सेटिंग्स वाले इस आइकन पर क्लिक कीजिए। यहाँ पर आने के बाद में आपको जो आपके बाएं साइड में नज़र आ रहा है यहाँ पे कई सारे ऑप्शंस, इसके अंदर में आपको सबसे नीचे स्क्रॉल करना है, यहाँ पे आपको नज़र आ जाएगा लॉग आउट। सिंपली आप लॉग आउट के ऑप्शन पे जो है क्लिक करेंगे, यहाँ पे एक पॉपअप आ जाएगा कि आर यू श्योर यू वांट टू लॉग आउट। तो सिंपली आपको करना क्या है, लॉग आउट पे क्लिक करना है, तो आप यहाँ से जो है लॉग आउट हो जाएंगे। लॉग आउट जैसे ही होंगे तो आपको यहाँ पे पूछेगा लॉग इन करने के लिए। तो यहाँ पे मैं आप अगर मैं आपको फिर से discord.com पे लेकर के चलूँ तो यहाँ पे आपसे पूछ रहा है लॉग इन के लिए। अगर आप ऑलरेडी इसमें लॉग इन होंगे तो यहाँ पे ओपन डिस्कॉर्ड पे ओपन डिस्कॉर्ड लिखा हुआ रहेगा जो कि मैं आपको बताऊंगा। तो सिंपली आप लॉगिन पे पहले क्लिक कीजिए, यहाँ पर आप अपना ईमेल आईडी एंटर कीजिए। जो मैंने ईमेल आईडी एंटर किया था वो मैं यहाँ पे एंटर कर देता हूँ, यानी जिस ईमेल आईडी से मैंने अपना अकाउंट क्रिएट किया था वो मैंने अपना ईमेल आईडी यहाँ पे एंटर किया। पासवर्ड पूछा तो सिंपली आप अपना पासवर्ड एंटर कर दीजिए, जो पासवर्ड आपने अकाउंट क्रिएट करते समय अकाउंट रजिस्टर करते समय डाला था, ये मैंने अपना पासवर्ड जो मैंने एंटर कर दिया। उसके बाद सिंपली आपको लॉगिन पे क्लिक करना है। लॉगिन पे क्लिक करते ही ये प्रोसेस होगा। प्रोसेस होने के बाद में जो है आपको लॉगिन करके यहाँ पे लेकर के आ जाएगा, आप इस तरीके से बआसानी लॉगिन हो पाएंगे। अभी अगर मैं जाऊँ discord.com पे, यहाँ पे अगर मैं इसको हटाऊँ इस URL को और मैं सिंपली discord.com पे जाऊँ, तो यहाँ पर आने के बाद में जो है ये लोड होगा। जैसे कम्प्लीटली लोड हो जाएगा तो यहाँ पे आपको बताएगा ओपन डिस्कॉर्ड, यहाँ पे आपको बता रहा है राइट। पहले आ रहा था लॉगिन, यहाँ पे आपको बता रहा है ओपन डिस्कॉर्ड इन योर ब्राउजर। सिंपली आप ओपन डिस्कॉर्ड पे क्लिक करके आप डायरेक्टली उसमें लॉगिन हो जाएंगे, क्योंकि ऑलरेडी आप लॉगिन हैं तो ये आपको रीडायरेक्ट कर देगा आपके अकाउंट के अंदर में। तो मुझे उम्मीद है कि आपको समझ में आ गया होगा कि किस तरीके से जो आप अपना डिस्कॉर्ड अकाउंट क्रिएट कर सकते हैं, डिस्कॉर्ड पे आप अपने आपको कैसे रजिस्टर कर सकते हैं, अब जो है किस तरीके से डिस्कॉर्ड सर्वर को ज्वाइन करना है, उसके बारे में जो है मैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में बात करूंगा। नेक्स्ट वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कि किस तरीके से जो है किसी भी डिस्कॉर्ड सर्वर को आप बआसानी ज्वाइन कर सकते हैं और अब्दुल रहमान जी डिस्कॉर्ड सर्वर को भी जो है कैसे आप ज्वाइन कर सकते हैं। मुझे उम्मीद है आपको समझ में आ गया होगा और आपने अपना अकाउंट क्रिएट भी कर लिया होगा डिस्कॉर्ड पे। फिर भी अगर कोई डाउट रहता है, कुछ परेशानी है, तो सिंपली आप कमेंट सेक्शन में आइए, कमेंट कीजिए, मुझे बताइए क्या परेशानी है, मैं उसको जल्द अज जल्द रिजॉल्व करने की कोशिश करूँगा। और हाँ, अगर अभी तक के आपने डिस्कॉर्ड सर्वर को ज्वाइन नहीं कर रखा है abdulrahmanji.com के, सिंपली आप जाइए डिस्क्रिप्शन चेक कीजिए, आपको वहाँ पे लिंक मिल जाएगा, आप वहाँ से डिस्कॉर्ड सर्वर को ज्वाइन कर लीजिए। और हाँ, अगर अभी तक के आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं कर रखा है तो इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, साथ में अगर ये वीडियो पसंद आया है तो इस वीडियो को लाइक कीजिए और आप अपने दोस्तों के साथ में शेयर कीजिए, ताकि वो भी जो है अपना अकाउंट डिस्कॉर्ड पर क्रिएट करना सीख लें, अपने आप को रजिस्टर कर लें और आपके साथ में और हमारे साथ में जुड़ जाएँ।
तो मिलते हैं इसी तरीके के इंटरेस्टिंग एंड इन्फॉर्मेटिव वीडियो में। जब तक के लिए कीप लर्निंग, कीप एक्सप्लोरिंग। अस्सलामु अलैकुम एंड अल्लाह हाफिज़।